के जो वचन का जो शीर्षक है वो है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के फायदे और असर। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ उसका मुझे क्या फायदा होगा? प्रभु यीशु के मुर्दों में से जीवित होने से मेरा क्या लाभ और मेरी जिंदगी में उसका क्या असर होगा? मेरी जिंदगी किस तरह बदल सकती है प्रभु यीशु मसीह अगर मुर्दों में से जीवित हुआ तो? तो लूका जिसने सारी बातों को अच्छे से जांच पड़ताल कर लिया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो वो ऐसे लिखता है, वो कहता है परंतु सप्ताह के पहले दिन, मतलब संडे के दिन, ओके, क्या कहता है वो? सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही, मतलब सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह जब सूरज उगने वाला होता है तब की बात है, पर सब लोग मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं, परंतु सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही वे स्त्रियां उन सुगंधित मसालों को लेकर जो उन्होंने तैयार किए थे कब्र पर आई। उस जमाने में, उन लोगों में, उस समाज में एक प्रथा होती थी जिसमें वो जो व्यक्ति मर चुका है उसके शव पर मसाले लगा, कुछ ना कुछ एक सुगंधित मसाले लगाते थे। आजकल के ज़माने में हम क्या करते हैं, जो लाश होती है उसके ऊपर लोग क्या छिड़कते हैं, बहुत ज़्यादा, हाँ उस प्रकार की कोई प्रथा है उनकी, वो उन मसालों को उनके ऊपर लगाने के लिए गई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। यीशु मसीह की कब्र बंद थी और जो पत्थर था कब्र का वो हटा हुआ था, परंतु जब वो अंदर गई तो उन्होंने प्रभु यीशु का शव वहां पर नहीं पाया। प्रभु यीशु का शव वहां पे नहीं था। ऐसा हुआ कि जब वे भौचक्की खड़ी थी, मतलब हैरान होके खड़ी थी, तो पढ़ो कोई, तो देखो दो मनुष्य झलकते हुए वस्त्र पहन एकाएक उनके निकट खड़े हो गए। दो मनुष्य मतलब दो फरिश्ते, कौन? दो फरिश्ते उनके सामने खड़े हो गए। जब स्त्रियां भयभीत होकर भूमि पर मुंह झुकाए हुए थीं, उन मनुष्यों ने उनसे कहा, क्या कहा, जोर से पढ़ें सब, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है परंतु वह जी उठा है। स्मरण करो कि जब वह गलील में ही था उसने तुमसे कैसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापी मनुष्यों के हाथों में सौंपा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। उन्होंने उसकी बातों को फिर याद किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। लूका ने सारी बातों को जांच पड़ताल किया। लूका क्योंकि एक डॉक्टर है, वो पेशे से डॉक्टर है, ऐसे नहीं लिख देगा, उसने अच्छे से चेकिंग किया, लोगों की इंटरव्यू ली लूका ने, और उसके बाद उसने वो सारा सारी कहानी को लिखा, यीशु के जन्म से पहले की बातों को लेकर के एंड तक यीशु के जीवन के बारे में लिखता है। अगर आप लोग प्रभु यीशु के जीवन के बारे में सब कुछ अच्छे से जानना चाहते हो तो बाइबल में लूका की अंजील, अगर आप डिटेल से जानने की इच्छा रखते हो तो लूका की अंजील आपको पढ़नी चाहिए। प्रभु के वचन की सबसे बड़ी शक्ति आपकी ज़िंदगी में ये है, आपका विश्वास बढ़ जाता है। वचन में लिखा है कि हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। अगर आप अपने विश्वास में डावाडोल हो रहे हैं, विश्वास आपका कम होता जा रहा है, तो एक चीज़ आपकी मदद कर सकती है, परमेश्वर का जीवित वचन पढ़ना शुरू करें। और लूका इस प्रकार बताता है कि ये हुआ था, स्त्रियां गई कब्र पे, कब्र खाली थी, वो डर गई, वो हैरान हो गई, फिर वहाँ पे फरिश्ते आए, फरिश्तों ने कहा जो जिंदा है उसको मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। मैं फिर से वही बात कहूँगा जो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हमारे देश में, बाहर भी होता होगा, लेकिन हमारे देश में कितनी सारी ऐसी कब्रें हैं जहाँ पे लोग जाके माथा टेकते हैं, क्या वो कब्र खाली है जहाँ पे लोग जाते हैं? बताइए, मरे हुए लोगों की, महान गुरुओं की, बाबाओं की कब्र पे लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उस कब्र में से क्या मिलेगा अगर उसको खोदा जाए तो? क्या मिलेगा? हड्डियाँ मिलेंगी, मिट्टी मिलेगी, कीड़े मकौड़े मिलेंगे, यही कुछ मिलेगा। फिर क्यों उसके सामने लोग माथा टेकते हैं? क्योंकि शैतान ने लोगों की आंखों को बंद किया हुआ है, लोग समझ नहीं पाते। जब हमारा बिजनेस था बहुत साल पहले, स्कूल में अलग अलग पूरे पंजाब में स्कूलों में वर्दियां सप्लाई करने का हमारा बिजनेस था, तो कभी कभी हम एक ड्राइवर, अलग अलग ड्राइवर्स को हम लोग उनकी गाड़ियां बुक करके और सामान छोड़ने के लिए जाते थे, वर्दियां छोड़ने के लिए स्कूलों में जाते थे। और मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर्स किराए पे जो हम लेते थे वो ऐसे थे कि हम अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो रस्ते में अगर किसी बाबा की कब्र वगैरह है या कोई मज़ार बोलते हैं ना, तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी जगह है तो वो गाड़ी रोकते थे
और जिंदगी उनकी कैसी भी चल रही हो, पाप कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, झूठ मक्कारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी रोक के और पैर धोकर पता नहीं क्या कुछ करके और वहाँ पे माथा टेक के आते थे। हमेशा मन में आता था कि लोग कब्रों पे क्यों माथा टेकते हैं, कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु भी वैसा ही होता अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह कब्र में डाल दिया जाता और आज तक कब्र में रहता तो उसके सामने सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क है? हमारा प्रभु भी कब्र में रखा गया तो फिर हमारे प्रभु में और बाकी लोग जो कब्र में लेटे हुए हैं उनके अंदर क्या फ़र्क है बताइए? कि हमारे यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। इसी से हमारा जीवन बदल जाना चाहिए कि हम किसी मुर्दा खुदा की आराधना नहीं करते हैं, हम जिंदा परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं। आज सुबह जब हम तैयार हो रहे थे, हमारे घर में जो लड़की काम करने के लिए आती है, मेरे मन में एकदम से आया कि मैं इसको बताऊं, और मैंने उसको बताया कि सोचो इसके बारे में कि हम जो मर चुके हैं उनका नाम हम क्यों लेते हैं, लेकिन जो जिंदा है वो हमारे दिल के दर्द को जानता है, सुन सकता है हमारी प्रार्थना, और जो जिंदा है वही इस योग्य है कि हम उसके नाम के आगे अपना सर झुकाएं। अभी आगे आपको पता चलेगा कि अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुका है, इसके बहुत सारे फायदे हैं जो आपके जीवन में जो आपको मिलते हैं, और इससे आपकी जिंदगी में भी असर पड़ता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुका है। पर यदि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुका है तो कुछ लोग सोचते होंगे जीवित होने के बाद शायद वो दोबारा मर गए होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सी कहानियां हम देखते हैं अखबारों में कि कोई मर गया था, फिर डॉक्टरों ने उसकी छाती पर बहुत ज्यादा हाथ मारा, 15 मिनट के बाद दोबारा उनमें जान आ गई। कितने लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी है, सुना है कि नहीं सुना हमने? तो फिर मेरा प्रभु जिंदा हुआ, वो लोग जिंदा हुए, उसमें फर्क क्या है? जो लोग दोबारा मर के दोबारा जीवित हो गए हैं वो कुछ समय के बाद फिर से मर गए, पर हमारा प्रभु दोबारा कभी नहीं मरा। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठने के बाद अब यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित हैं, क्योंकि मौत उन पर प्रभुता नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से निकल के बाहर आए, उन्होंने एक बात को साबित किया कि मौत मुझे पकड़ नहीं सकती, मौत मुझे पकड़ के रख नहीं सकती। ये फर्क है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में और दूसरे लोगों के पुनरुत्थान में। यीशु मसीह दोबारा कभी नहीं, और बाइबल इस बात को सिखाती है, धर्मशास्त्र इस बात को सिखाता है। देखो सामने क्या लिखा है, ये रोमियो 6:5 में लिखा हुआ है, रोमियो 6:9 में लिखा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर, पढ़ो क्या लिखा है, फिर कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। फिर कभी नहीं मरेगा, जब वो जीवित हो चुका था 2000 साल पहले तो उसके बाद वो जीवित है, उसके 2 साल के बाद भी जीवित है, उसके 5 साल के बाद भी जीवित है, उसके 500 साल के बाद भी जीवित है, आज 2019 साल के बाद भी यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेगा, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। बड़े महान लोग, गुरु लोग, बाबा लोग, बहुत लोग आए पर चले गए। हमारा प्रभु भी आया, मरा भी, पर हमारे लिए मरा, हमारी वजह से मरा, इनफैक्ट हमने उसको मारा, पर 3 दिन के बाद दोबारा वो जीवित हो गया। हालेलुया। अब हम कैसे मनाएं ईस्टर, कैसे मनाएं प्रभु का पुनरुत्थान? क्यों ना प्रभु से पूछा जाए, प्रभु आप क्या चाहते हो कि आपका पुनरुत्थान दिवस हम कैसे मनाएं? और बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह खुद सिखाते हैं कैसे हम उनका पुनरुत्थान दिवस, कैसे हम ये त्यौहार मनाएं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, सबसे उत्तम तरीका पुनरुत्थान दिवस मनाने का ये है कि हम, क्या लिखा है, हम पश्चाताप करके विश्वास करें। ये तो बड़ा बोरिंग है, चमकदार कपड़े पहनना तो मज़ेदार है, फूल लगाना मज़ेदार है, अंडा खाना बांटना मज़ेदार है, लेकिन ये थोड़ा सा बोरिंग हो गया। पर प्रभु यीशु ने कहा सबसे उत्तम तरीका उनका दिवस मनाने का
यही है कि हम पश्चाताप करें और विश्वास करें। आफ्टर ऑल प्रभु यीशु मसीह मरे क्यों? क्यों उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दी? अपने पापों के लिए या हमारे पापों के लिए? और यीशु मसीह जानते थे अगर हम अपने पापों में पड़े रहे तो मृत्यु का कब्जा, जो हमने गीत गाया, मौत का साया, जो अपने पापों में पड़ा हुआ है वो मौत के साये के अधीन है, मौत के साये के नीचे है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारी सजा खुद उठानी पड़ी, प्रभु यीशु मसीह को हमारे पाप अपने ऊपर उठाने पड़े, प्रभु यीशु मसीह को हमारी मौत अपने ऊपर लेनी पड़ी। और अगर हम हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, अगर हम मरने के बाद स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को मौत को हराना पड़ा और वो कब्र में से जिंदा हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी और हमें हमेशा का जीवन देने के लिए मौत के बंधन से हमको आजाद किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सीधा सीधा हमारी आत्माओं से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले जीवित थे, अगर मनुष्य बन के दुनिया में नहीं आते तो जीवित ही रहते। प्रभु यीशु मसीह की जान को कोई खतरा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह दुनिया के रचने वाले परमेश्वर हैं। अगर वो स्वर्ग छोड़ के 2000 साल पहले मनुष्य बन के दुनिया में नहीं आते तो अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह ठीक ठाक रहते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीवित रहते और शासन करते पूरी दुनिया पर। तो अगर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए हैं, उसका सीधा सीधा लिंक हमारी आत्माओं से है। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर गए हैं, उसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी आत्माओं से है। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए हैं, क्योंकि प्रभु हमें कुछ देना चाहते हैं इसलिए मुर्दों में से जीवित हुए हैं। हमारी खातिर उसने दुख उठाया, हमारी खातिर उसने मौत को हराया, हमारी खातिर उसने शैतान को हरा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कब्र को खाली इसलिए किया ताकि हमारी भी कब्र एक दिन खाली पाई जाए, हमें भी कब्र में रखा जाएगा, हम भी मर जाएंगे। लेकिन जो मसीह में होके मरते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करके मरते हैं, लिखा है वो बादलों पे आएगा महिमा में और तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में सो गए हैं दोबारा जीवित किए जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारा भी पुनरुत्थान है, विश्वास करने वालों का भी पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना हमारा भी जी उठना है। लेकिन सिर्फ यीशु के मुर्दों में से जीवित होने से सारे लोग जीवित हो जाएंगे? नहीं। सब लोग अनंत जीवन पाएंगे? नहीं। कौन? वही जो पश्चाताप करेगा और विश्वास करेगा, जो यीशु के क्रूस की इज्जत नहीं करता, वो यीशु के क्रूस के फायदों को भी नहीं उठा सकता। और जो यीशु के क्रूस पे विश्वास नहीं करता, वो यीशु के क्रूस के फायदों को भी नहीं उठा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा और उसने कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। ये बाय द वे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात कही मुर्दों में से जी उठने के बाद। कब कही? मुर्दों में से जी उठने के बाद में प्रभु ने अपने चेलों को वचन शास्त्र खोला और समझाया। और लिखा है लूका 24:46-47 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह, कितनों को हिंदी आती है, दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। ओके, मतलब यहां पे दुख उठाएगा मतलब कौन सा दिवस बताओ? गुड फ्राइडे। और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा कौन सा दिवस? आज का दिवस। इसका मतलब गुड फ्राइडे होने के बाद, ईस्टर होने के बाद क्या होगा? यहां लिखा है, और जब गुड फ्राइडे हो जाता है, जब ईस्टर हो जाता है, उसके बाद कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यरूशलम से प्रारंभ करके यीशु मसीह कहां गया था? पिछले हफ्ते यीशु मसीह कहां पहुंचा था? राजा के रूप में यरूशलम पहुंचा था। यीशु की मृत्यु कहां हुई थी? कहां हुई थी? यरूशलम में हुई थी। सारे बलिदान कहां चढ़ाए जाते थे? यरूशलम में। इसलिए वो प्रभु का नगर है, इसलिए हर भली चीज वहीं पे आई और हर भली चीज जब बाहर जाएगी यरूशलम से जाएगी। हालेलुया। प्रभु यरूशलम से बहुत प्यार करता है, प्रभु इज़राइल से आज भी बहुत प्यार करता है। यरूशलम से प्रारंभ करके आगे कहां पहुंचेगा? सब जातियों में।
आप अलग अलग जाति के लोग हैं, मेरी भी एक जाति, हम सब की कोई ना कोई जाति है। बाइबल कहती है सब जातियों में, हालेलुया, पढ़ो जोर से पढ़ो, सब जातियों में उसके नाम से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। इस तरह ईस्टर मनाया जाता है, मन फिराकर, पापों को छोड़ के प्रभु के पास आकर, पश्चाताप करके, यीशु पे विश्वास करके पुनरुत्थान दिवस मनाया जाता है, मात्र फूलों से और चमकते हुए कपड़े पहनने से नहीं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, सबसे उत्तम तरीका ये दिवस मनाने का ये है कि हम पश्चाताप करके विश्वास करें, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा मेरे मरने से ऐसा होगा, मेरे जी उठने से ऐसा होगा, सारी जातियों में। सब लोग जोर से बोलो, अब आपको पता चला कि प्रभु केवल एक आदि जाति का परमेश्वर है, प्रभु सारी जातियों का परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा मौत पकड़ सकती है? क्यों नहीं पकड़ सकती? यीशु मसीह है उल्टा जो सबको जीवन देता है और उनका जीवन ले भी लेता है। हालेलुया, जीवन और मौत जिसके हाथ में है, जीवन और मौत, उस मौत उसके ऊपर कुछ भी कर नहीं सकते। एक बार तो मरना पड़ा प्रभु को, तो क्या कुछ समय के लिए प्रभु कंट्रोल नहीं कर पाया मौत को? ऐसा कुछ था, एक बार मरना पड़ा, किसकी खातिर? हमारी खातिर। हालेलुया, और यीशु ने मर के क्या किया? हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दोबारा मृत्यु कभी छू नहीं सकती। और सबसे अच्छा तरीका क्या है ईस्टर मनाने का? सबसे उत्तम तरीका क्या है? कौन से रंग का कुर्ता पहनना चाहिए? हाँ जी, पश्चाताप, एक्चुअली पश्चाताप का कुर्ता पहनना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, अपने पापों को मान लेना चाहिए। और पश्चाताप करने का मतलब है पापों को छोड़ देना। एक्चुअली पश्चाताप करने का मतलब रोना धोना नहीं है, हाय प्रभु मैंने ऐसा क्यों किया। क्या मतलब पश्चाताप करने का? पापों को छोड़ देना और विश्वास करना। अगर हम विश्वास करेंगे तो क्या होगा? अगर हम पश्चाताप करेंगे तो क्या होगा? यहां पर आपको पता चलेगा पुनरुत्थान दिवस का फायदा क्या होगा। अगर हम विश्वास करेंगे, पश्चाताप और विश्वास करने का नतीजा ये होगा कि हम भी यीशु की तरह जीवित किए जाएंगे और फिर हमेशा के लिए जिएंगे। हालेलुया, जैसे मैंने कहा प्रभु यीशु का पुनरुत्थान दिवस इसलिए हुआ ताकि हर विश्वास करने का भी एक पुनरुत्थान दिवस हो। लोग सोचते हैं कि हमें अलग अलग रूप में इस दुनिया में आना पड़ेगा, बहुत बार जीवन काटने के बाद हमारी आत्मा मोक्ष पाएगी, लोग यही सोचते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा के लिए जीवित रहने का हमसे वादा करते हैं। हम स्वर्ग में हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। अब सवाल उठता है, बाइबल ऐसा सिखाती है कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं, लेकिन क्या बाइबल यह सिखाती है? हम कुछ वचनों को देखेंगे, बाइबल क्या बोलती है, पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो जिसने यीशु के मृतकों में से जिला उठने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा क्या हुआ है? हमें नया जीवन मिला है। सिर्फ प्रभु को नया जीवन नहीं मिला, हमें भी, विश्वास करने वालों को भी एक नया जीवन मिला है। Isn't it so beautiful? क्या आप में से किसी ने प्रभु से जीवन मांगा था? लेकिन प्रभु ने मुफ्त में आपको जीवन दिया है। और क्या लिखा है वचन में? वो जो हमारे पापों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिंदा किया गया। धर्मी ठहराया जाना मतलब स्वर्ग में हमारा प्रवेश हो जाएगा, हमारे ऊपर पाप का दोष नहीं लगाया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित किए गए। जो विश्वास करेगा जब मर के स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा होगा, कोई भी हमारे ऊपर पाप का दोष लगा नहीं सकता। क्यों? हमारे पाप का दोष किसने उठा लिया? प्रभु यीशु ने उठा लिया। हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए घोषणा की जाएगी, जॉय ने कुछ नहीं किया, जॉय के पाप क्षमा है। आप जब स्वर्ग में जाओगे, घोषणा की जाएगी, इंदिरा ने कोई पाप नहीं किया, रेनू ने कोई पाप नहीं किया, मतलब किया तो है लेकिन पाप की सजा नहीं मिलेगी।
ये हम सुनेंगे, हमारा नाम लिया जाएगा और ये घोषणा की जाएगी, जैसे जज कोर्ट में घोषणा करता है नॉट गिल्टी या गिल्टी, मतलब ये दोषी है या ये दोषी नहीं है, जज घोषणा करता है कि नहीं। उसी प्रकार स्वर्ग में परमेश्वर घोषणा करेगा, ये दोषी नहीं है, ये दोषी है, ये दोषी नहीं है, ये दोषी है। किसके लिए बोला जाएगा कि दोषी नहीं है? वो जिसने प्रभु के नाम पे विश्वास किया है। ऐसा ऐसा नहीं है कि जिसके लिए बोला जाएगा दोषी नहीं है, उसने दोष उसने कभी पाप नहीं किया। कोई है जिसने कभी पाप नहीं किया? फर्क क्या है फिर? प्रभु कई लोगों को बोलेगा दोषी है, कईयों को बोलेगा दोषी नहीं है, फर्क क्या है उनके अंदर? जिनके लिए प्रभु बोलेगा दोषी नहीं है, उनमें उनके अंदर क्या फर्क है कि उन्होंने पाप तो किया था पर उनके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उठा लिया है, उनकी सजा को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उठा लिया है। और जब प्रभु यीशु ने क्रूस पे हमारी सजा को उठा लिया है तो हमारे ऊपर, विश्वास करने वालों के ऊपर प्रभु का जो क्रोध है वो ठंडा हो चुका है और प्रभु बोल सकता है आओ तुम मेरे राज्य में प्रवेश करो क्योंकि तुमने मेरे पुत्र के बलिदान का आदर किया है, उस पर विश्वास किया है। स्वर्ग कौन जाता है? भले काम करने वाला। भले काम कोई नहीं करता, कोई कर भी ले भले कामों के दम पे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्वर्ग कौन जाता है? जो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है वो स्वर्ग जाता है। तो वचन में लिखा है वो हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जलाया गया। और क्या लिखा है वचन में? एक मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, ये एक मनुष्य कौन था? नाम बताओ मुझे। आदम। एक मनुष्य दुनिया के शुरुआत में, जिस मनुष्य ने पाप किया तो उसकी सारी संतानों के ऊपर, जिसमें हम सब हैं, उनके ऊपर क्या आई? मृत्यु आई, सजा आई उनके ऊपर। जैसे अगर बाप को शुगर है तो जब उसका बेटा या बेटी जब 20, 25, 30, 35 साल के होंगे तो उसको भी शुगर हो जाती है। उसी प्रकार पाप क्या है? एक अंदरूनी बीमारी है जो हमारे बाप दादाओं से चली आ रही है और हमको विरासत में मिल जाती है। तभी लिखा है वचन में, अपनी माँ की कोख में हम पाप में पैदा हुए। हम पाप करने से पापी नहीं होते, हम पाप हमारे अंदर होता है इसलिए हम पाप करते हैं। आदम के द्वारा सारी मानव जाति पर क्या आ गई? मृत्यु आ गई। लेकिन परमेश्वर बड़ा महान है, क्या लिखा है? अगर एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो क्या लिखा है? एक मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। ये दूसरा मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो आदम जो प्रभु ने अदन की वाटिका में जिसको रखा और कहा तू मेरे नाम की महिमा कर, मेरे नाम की महिमा को पूरे संसार में फैला दे, वो आदम तो फेल हो गया, उसने पाप कर दिया। फिर प्रभु ने एक नया आदम भेजा, उस आदम का नाम क्या है? यीशु मसीह। और उस आदम से कहा मेरे नाम की महिमा करना, और प्रभु यीशु मसीह ने सारे जीवन क्या किया? प्रभु यीशु के नाम की, परमेश्वर के नाम की महिमा की। प्रभु ने पहले आदम से कहा पाप मत करना, पहले आदम ने पाप कर दिया, लेकिन दूसरे आदम के बारे में क्या कहता है वचन? वो हर चीज में परखा गया परंतु उसमें कोई भी दोष नहीं पाया गया। अगर पहले आदम के द्वारा अगर दुनिया में श्राप आया और मृत्यु आई, तो परमेश्वर ने दूसरा आदम भेजा जिसके द्वारा सब लोगों को जीवन मिल सकता है। वचन कहता है जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। पढ़ो क्या लिखा है, खूबसूरत, ये शक्तिशाली वचन है। क्या लिखा है? जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। जो विश्वास करेगा मसीह के मृत्यु पर, जो विश्वास करेगा मसीह के पुनरुत्थान पर, वो भी जिंदा किया जाएगा। इट्स अमेजिंग व्हाट गॉड हैज डन। अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने इस संसार में, संसार के रहने वाले लोगों के लिए किया है। अगर वो अपने पुत्र को ना भेजता, हमारी सारी भक्ति किसी काम की नहीं होती। आज भी जितनी भक्ति परमात्मा के नाम पे चढ़ाई जाती है, अगर वो भक्ति यीशु मसीह के द्वारा नहीं जाती है, वो भक्ति हमारे काम नहीं आएगी। हमें दिखने में अच्छा तो लगता है, लोग बड़ी भक्ति करते हैं परमात्मा के नाम की, लेकिन यीशु को नहीं मानते।
यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है, यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है। और यीशु ने कहा, जिसने मुझे देख लिया है पिता को देख लिया है। अगर आपको जिंदा परमात्मा की भक्ति करनी है, यीशु के नाम में अपना विश्वास करो। प्रभु यीशु ने भी स्पष्ट कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, वचन में लिखा है, पर ये पहला कुरिन्थियों 6:14 में, कोई और पढ़ो जोर से, क्या लिखा है? ना केवल प्रभु को ही जिला उठाया, वरन हमें भी वैसे ही अपनी सामर्थ से जिला उठाएगा। सारे जोर से बोलो, यीशु का ईस्टर मेरा भी ईस्टर है। यीशु इसलिए मुर्दों में से जिंदा हुआ ताकि हम भी मुर्दों में से जीवित हो सके। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। आगे पढ़ो, और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है या करता है? ये सवाल है हमारे लिए। विवेक, क्या हम विश्वास करते हैं? कभी कभी हम सिर्फ भीड़ में बैठना जानते हैं, कभी कभी हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में आके बैठकर चले जाते हैं, कभी कभी 10 साल के बाद भी हमने विश्वास नहीं किया होता। विश्वास जो है वो हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करने के लिए हमें मजबूर करता है। अगर हम विश्वास कर लेते हैं फिर हम प्रभु के लिए अपना जीवन जीते हैं, ना केवल हम प्रभु की दूर खड़े होकर तारीफ करते हैं या कभी कभी चर्च आके माथा टेक जाते हैं यीशु के नाम पर। विश्वास हमारी जिंदगी बदल देता है, विश्वास हमारा दर्शन बदल देता है, विश्वास हमारे जीवन में एक उद्देश्य दे देता है हमें। जब विश्वास आता है तब प्रभु की महिमा ही मेरा जुनून होता है कि प्रभु को महिमा मिले, लोग मेरे प्रभु को जाने। जब विश्वास होता है तो प्रभु के साथ प्रार्थना करने का मन करता है। जब विश्वास हमारे अंदर होता है तो हम वचन पढ़ना चाहते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं। जब विश्वास होता है तो हम घमंडी नहीं हो जाते। जब विश्वास हमारे अंदर होता है तो हम दीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, जैसे हमने परसों देखा, दूसरों के पांव धोने लगते हैं। जब विश्वास हमारे अंदर होता है तो हम दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं, हम दूसरों के दुखों को अपने ऊपर उठा लेते हैं, दूसरे के बोझ को अपने ऊपर उठाने लगते हैं। विश्वास हमें बदल देता है। विश्वास केवल आलती पालती मारकर और हाथ जोड़कर भजन कीर्तन करना विश्वास नहीं है। विश्वास हमारी जिंदगी को बदल देता है। विश्वास हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को ले आता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर अपने फलों को उत्पन्न करता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये चीजें हमारे जीवन में दिखने लगती हैं। इसलिए प्रभु से अगर हमें कुछ मांगना है तो विश्वास मांगो। अगर प्रभु से अगर हम चाहते हैं मेरी जिंदगी में कुछ चीजें बढ़ें, तो हर जीवन की हर चीज बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, तरक्की हो, बच्चों की पढ़ाई हो, इन सब चीजों के साथ साथ सबसे बढ़कर अपने विश्वास को बढ़ने के लिए प्रार्थना किया करें। अगर आपके विश्वास ने आपका जीवन ही नहीं बदला तो आपका विश्वास किस काम का? अगर आपके विश्वास ने आपकी सोच नहीं बदली, अगर आपके विश्वास ने आपको जीने का उद्देश्य नहीं दिया, फिर क्या फायदा? जीसस केम सो दैट ही कैन चेंज आवर लाइव्स। प्रभु आया ताकि हम हमारी जिंदगियों को बदल सकें, अपने तौर तरीकों को बदल सकें। जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता सही रास्ता हो, परमेश्वर का रास्ता हो। दुनिया तो हमेशा अपनी तरफ खींचती है, बुरे लोग और बुरी संगति हमेशा हमें अपनी तरफ खींचती है, पर विश्वास हमें प्रभु के रास्ते पर चलाने के लिए हमें हिम्मत देता है। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और प्रत्येक जो जीवित है जो मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज आपके लिए सवाल यही है। या हम केवल मसीही भीड़ में बैठना सीख गए हैं, मसीही बातें करना सीख गए हैं, मसीही फ्रेजेस बोलने आ गए हैं, मसीही बातचीत करनी आ गई है, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की सिस्टर, हाँ हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आज ईस्टर है, चलो चर्च चलते हैं।
प्रभु के आनंद में जी रहे हैं, प्रभु की कृपा है, ऐसी बातें बोलना हमें ना, ये टर्मिनोलॉजी, ये भाषा बोलनी हमें आ जाती है। प्रभु भाषा को नहीं देखता, वो जीवन को देखता है। क्या हम विश्वास करते हैं इस बात पर कि हम प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं हैं? क्या हम विश्वास करते हैं इस बात पर सचमुच कि यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आया? क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। वचन कहता है, अगर हम मर गए हैं प्रभु में, तो हम उसके जात जीवित किए जाएंगे। हम में से बहुत हैं, ध्यान से सुनना, प्रभु आप लोगों से बात करेगा, हम में से बहुत हैं जो प्रभु से नया जीवन तो चाहते हैं, पर पुराने जीवन को मारना नहीं चाहते। बाइबल बताती है, अगर तुमने अपने पुराने जीवन को खत्म कर दिया है, तो प्रभु तुम्हें नया जीवन दे देगा। हम दोनों जीवनों, दोनों संसार का आनंद लेना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आई वॉन्ट ऑल दैट दिस वर्ल्ड गिव्स मी, जो कुछ ये संसार देता है मुझे चाहिए। फिर मुझे प्रभु का दर्शन भी चाहिए, माफी भी चाहिए, अनंत जीवन भी चाहिए, पर संसार की चीजें भी छोड़ने का मन नहीं करता। क्या आप प्रभु यीशु की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं? कहने का मतलब, जैसे मसीह मर गया, क्या वैसे आप मर चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए हुआ क्योंकि पहले प्रभु का गुड फ्राइडे हुआ था। प्रभु इसलिए जी उठा क्योंकि पहले प्रभु मर गया था। अगर आप जी उठना चाहते हैं, तो क्या आप पहले मर गए हैं? क्या आपने पुराना जीवन खत्म कर दिया है? क्या आपकी पुरानी सोच आपने क्रूस पर चढ़ा दी है? बाइबल बताती है, केवल यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा, विश्वास करने वालों के लिए वो लोग भी क्रूस पर मर गए हैं। मतलब अब हम पुराने तरीके से अपना जीवन नहीं जीते हैं, अब हम मसीह के लिए नया जीवन जीते हैं। हमारा बपतिस्मा किस बात का प्रतीक था? हमारा बपतिस्मा मसीह में, हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया है और मसीह में नया जीवन शुरू हो चुका है। ये हमारे हमारे लिए कठोर सवाल है। इट्स अ हार्ड क्वेश्चन फॉर अस। इफ यू हैव नॉट बिकम वन विथ हिम इन हिज डेथ, यू कैनॉट बिकम वन विथ हिम इन हिज रेजरेक्शन। अगर प्रभु की मृत्यु में आप नहीं जुड़े हैं, अगर समर्पण नहीं किया, अगर सरेंडर नहीं किया, अगर पापों को नहीं माना, अगर जीवन को नहीं बदला, तो फिर प्रभु के पुनरुत्थान आपको मिलेगा वो भूल जाए, नहीं होगा। क्योंकि पुनरुत्थान मृत्यु के बाद आता है। अगर आप लोग मसीह में मर गए हैं, तो आप मसीह में जीवित किए जाएंगे। और अगर हमें मसीह में हमेशा के लिए जीना है, तो हमें अपने आप के प्रति मरना होगा, संसार के प्रति मरना होगा और पाप के प्रति मरना होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु पर, और कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर? खत्म करने वालों में दो मिनट में सामने देखो क्या लिखा है। वचन में लिखा हुआ, कुलूसियों की पत्री 3:15 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो, मतलब जो लोग विश्वास करते हैं, जिनके पास आशा है दोबारा से जिंदा होने की, उनके लिए बाइबल क्या कहती है? इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो, तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं। द वन हु बिलीव्स इन ईस्टर सीक्स फॉर द थिंग्स ऑफ हेवन। वो जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, वो स्वर्ग की चीजों की खोज करता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं जो मैंने शुरू में कहा था, मसीह के पुनरुत्थान के फायदे मैंने बता दिया, अब मसीह के पुनरुत्थान का असर मेरी जिंदगी में क्या है? हाउ डज द रेजरेक्शन ऑफ जीसस चेंज माई लाइफ? प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मुझे किस प्रकार बदल देता है? प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मुझे इस प्रकार बदलता है कि मैं स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में लगने लगता हूं। आप सबको अपने आप से पूछना है, ईमानदारी से पूछें, डू यू सीक द थिंग्स ऑफ हेवन? क्या आप स्वर्ग की बातों की खोज करते हैं? क्या आप प्रभु से प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु स्वर्ग की वो बातें जो अब तक मुझसे छुपी हैं मेरे सामने लेके आ, प्रभु मुझे सिखा?
क्योंकि संसार में संसारिक आंखों से संसार की चीजें हमको दिखती हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से हमें स्वर्ग की चीजें दिखती हैं। पर उनको जो मांगते हैं, मैं आपको आज विनती करता हूं, आग्रह करता हूं आप लोगों से, प्रार्थना में जब प्रभु से बैठते हैं अकेले, सबसे हटके, अपने बच्चों से हटके, अपने पति पत्नी से हटके, अकेले प्रभु के सामने रोज बैठना शुरू करें और प्रभु से ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे स्वर्ग की बातें समझा दे। अकेले में बैठकर जब हम परमेश्वर से स्वर्ग की बातों की खोज करेंगे, आपको लगता है प्रभु आपको स्वर्ग की बातें नहीं बताएगा या नहीं समझाएगा? टेल मी, क्या वो मना करेगा? प्रभु चाहता है उंढेलना, अपने आप को हमारे ऊपर उंढेलना चाहता है। परमेश्वर जुड़ना चाहता है हमारे साथ, अपनी बातें बताना चाहता है हमें। पर सब नहीं पा पाते हैं, वो जो प्रभु को खोजते हैं वो उसको पाते हैं। इसलिए बोले प्रभु को, खुदा मेरे, मुझे बदल दे, मेरी सोच बदल, मुझे आसमानी व्यक्ति बना, स्वर्गीय व्यक्ति बना, मुझे मेरी सोच स्वर्ग वाली सोच हो। ऐसे आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको बताएगा, समझाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करें, सब मेरे साथ पढ़ सकते हैं जोर से, इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। स्वर्ग की बातों की हमें खोज करनी है, स्वर्ग की बातों की हमें कामना करनी है। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तुम ईस्टर मैसेज पे विश्वास करते हो, अगर तुम रिजरेक्शन संडे के संदेश पे विश्वास करते हो, देन यू आर गोइंग टू सीक द थिंग्स ऑफ हेवन, फिर आप स्वर्ग की बातों की खोज करने लगोगे जहां पर मसीह विद्यमान है। और आगे भी और सिखाता है, क्या लिखा है, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। बाइबल आप लोगों के लिए अज्यूम करती है, मतलब जो मसीह हैं, जो मसीही लोग हैं, परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए ये कहता है कि आप मसीह में मर चुके हो। पर हम नहीं मरना चाहते, पाप के प्रति नहीं मरना चाहते, संसार के प्रति नहीं मरना चाहते, संसारिक चीजों के लिए मरना नहीं चाहते, हम बटोरना चाहते हैं, सब कुछ आ जाए मेरे पास, फिर प्रभु भी आ जाए। प्रभु ने कहा कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। तो बाइबल कह रही कि तुम मसीह में मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, सेक्सुअल इमोरैलिटी, गंदी तस्वीरें देखना, गंदी वीडियोस को देखना, अपने जीवन साथी को छोड़ किसी और के प्रति भावनाओं को रखना या उसके साथ शारीरिक संबंध रखना। आपका विश्वास इन चीजों से जुड़ा हुआ है कि आप पवित्र हो के नहीं। आपका विश्वास केवल आपकी आत्मा का विश्वास नहीं है, आपका विश्वास आपके शरीर से जुड़ा हुआ विश्वास भी है। तो व्यभिचार से, सेक्सुअल इमोरैलिटी, अलग अलग तरह की सेक्सुअल इमोरैलिटी, जो विश्वास करते हैं प्रभु जीवित हो गया, उनका जीवन उनके मॉरल लाइफ से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, जुदा नहीं है। इंग्लिश में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है दैट पुट टू डेथ, पुट टू डेथ, डेथ मतलब मार दो, मार डालो इन चीजों को, अपने अंदर मार डालो जो अर्थली नेचर की हैं, जो संसारिक हैं तुम्हारे अंदर। क्या क्या है हमारे अंदर संसारिक? सेक्सुअल इमोरैलिटी, अपने शरीर के अंगों के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं, अपने मन में जब हम किसी और के साथ गलत काम करते हैं, ये जुड़ा हुआ है। आपका आपका जीवन अगर इन बातों में पड़ा हुआ है तो फिर आपने समझा नहीं है कि आपका विश्वास क्या करता है आपके आपके जीवन में। इट चेंजेस द वे यू ट्रीट योर बॉडी, अपने शरीर को किस प्रकार तुम डील करते हो, आपका विश्वास उसको बदल देता है। जब तक शादी नहीं होती हम अपने आप को पवित्र रखते हैं, और शादी होने के बाद वचन कहता है शादी का बिस्तर पवित्र समझा जाए। हम शादी के बाद अपने जीवन साथी को छोड़ किसी और के साथ, ना तो मन में और ना अपने शरीर के द्वारा, हम कुछ भी गलत नहीं करते हैं।
क्रिश्चियन लोगों का जीवन ऐसा होता है। इम्प्योरिटी, किसी भी प्रकार की अशुद्धता, मन में किस प्रकार के ख्यालों को आप एंटरटेन करते हो, अशुद्धता, वासना, आपका विश्वास आपकी वासनाओं से जुड़ा हुआ है। प्रभु देखता है तुम्हारी कहां है, तुम्हारे मन का झुकाव किस तरफ है। बुरी लालसा कोई भी प्रकार की हो, लालच भी हो सकता है, एनी बुरी लालसा, और लोभ को, लोभ चीजों को पाना, हासिल करना, मेरे घर में हर तरह का सामान हो, या मेरी नौकरी उसकी नौकरी जैसी मेरी नौकरी हो जाए। लोभ, लालच, जल्दी मैं अमीर हो जाऊं, ये चीजें मुझे मिल जाएं। प्रभु कहता है ये चीजें मूर्ति पूजा के समान हैं। जो मसीह के साथ जीवित किए गए हैं, मतलब जो अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हैं, कौन कौन है जो क्रिश्चियन कहलाता है, जो मसीह कहलाता है, लिखा है वो जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं तो स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में लगे रहो जहां मसीह विद्यमान है। अपना मन पृथ्वी पर की बातों पे मत लगाओ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगाओ, क्योंकि तुम मर चुके हो। इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो। हिंदी में उतना अच्छा नहीं आया लिखते समय, अंगों को मृतक समझना नहीं है, मृतक मारना है, करना है, एक्चुअल खत्म करना है। इंग्लिश बड़ा अच्छा है, पुट टू डेथ देयर फोर, खत्म कर डालो, अपने अंदर मार डालो इन चीजों को, सेक्सुअल इमोरैलिटी को, व्यभिचार, किसी भी प्रकार का आपके जीवन में ना हो, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा है। आखिरी वचन 8:13 रोमियो में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना है। ना तुम्हारा बपतिस्मा काम आएगा, ना तुम्हारा 15 साल तक चर्च में आना काम आएगा, ना तुम्हारा गीत गाना काम आएगा, ना तुम्हारा बाइबल स्टडी में जाना काम आएगा। अगर तुम शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हो तो तुम्हारा मरना अवश्य है। स्वर्ग की कामना मत करो, और अगर कर भी रहे हो, शरीर के काम भी कर रहे हो, स्वर्ग की कामना भी कर रहे हो, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स व्हाट द बाइबल कैटेगोरिकली टीचेस। इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश यू विल डाई, बट इफ बाय द स्पिरिट, अगर तुम आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा मैं जीवित रहूंगा, पर यदि मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास कर रहा हूं तो मैं अपने शरीर के कामों को भी नष्ट करूंगा तो मैं जीवित रहूंगा। दोनों जुड़ा हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप कहें मैं विश्वासी हूं स्वर्ग जा रहा हूं, प्रभु देख रहा है शरीर के अंगों को, शरीर के कामों को नष्ट कर रहे हो कि नहीं, संसारिक कामों को अपने अंदर नष्ट कर रहे हो या नहीं। यही है आपका गुड फ्राइडे होना जरूरी है अगर आप अपना ईस्टर चाहते हैं। यीशु मरा तो यीशु जीवित हुआ। अगर आप अपने आप को जब तक मारोगे नहीं, पाप के प्रति, संसार के प्रति, दुनियादारी के प्रति, जब तक आप अपने आप को मारोगे नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के वापस आने के पुनरुत्थान पर कामना करने की कोई जरूरत नहीं कि आप जीवित किए जाओगे। और ये हम किसके द्वारा कर सकते हैं, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा हम अपने आप को संसारिक चीजों के लिए मार सकते हैं। इन बातों का आप जरूर सोचें, इन बातों के बारे में, और अपने आप को दुनिया के झूठ से, शैतान के धोखे से बचा के रखें, और सही तरीके से आज का दिन मनाना है। और प्रभु यीशु पे विश्वास करने का मतलब यही है, पश्चाताप करना, उन पे विश्वास करना, और अगर हम करेंगे हमें अनंत जीवन मिलेगा। और प्रभु यीशु पर विश्वास करते करते हमें संसार के लिए मरना है, पाप के लिए मरना है, दुनियादारी के लिए मरना है, और अपने आप के प्रति मरना है। हालेलुया, प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। हम अंतिम गीत